दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके 21 विधायकों की सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक गई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में संसदीय सचिव चुनाव को लेकर घमासान जारी है। राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने से आपके 21 विधायकों की नियुक्ति पर सवालिया निशान लग गया है और अब इस मामले का फैसला चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहीं बिल को मंजूरी न मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की आपात बैठक हुई। बैठक में बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपके 21 विधायक चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही केजरीवाल सरकार राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। 13 मार्च 2015 को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त करने का आदेश पारित किया था और 19 जून 2015 को प्रशांत पटेल ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रपति के समक्ष की थी कि संविधान की धारा 15 का उल्लंघन कर अपने 21 विधायकों को लाभ के पदों पर बिठा दिया है। हालांकि केजरीवाल ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए 20 जून को एक बिल पास किया। इसमें कहा गया कि दिल्ली की विधानसभा में रखा गया और वो 24 जून को पारित भी हो गया। इस बिल में ये भी कहा गया है कि ये बिल पिछले 6 माह पहले से लागू होगा। दिल्ली विधानसभा में इस तरह का ये पहला बिल था जो अपने पास होने की तारीख से 6 माह पहले ही लागू हो रहा था। फिलहाल केजरीवाल सरकार अभी भी झुकने के मूड में नहीं नजर आ रही और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।